नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था कि हम आपके लिए जो है इंग्लिश और मैथ भी लेकर आने वाले हैं। तो ये हमारा जो है इंग्लिश का पहला लेसन है जिसमें मैं आपको बेसिक इंग्लिश कराऊंगा, बेसिक ग्रामर कराऊंगा, यानी कुछ आपको महत्वपूर्ण बातें मैं बताने वाला हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेसन होने वाला है। उसके साथ ही मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ दोस्तों, रोज़ाना सुबह आठ बजे हम आपके लिए जीके की वीडियो लेकर आएंगे। उसके बाद 10 बजे दोस्तों हम आपके लिए लेकर आएंगे इंग्लिश की, और 1 बजे दोस्तों हम आपके लिए लेकर आएंगे जनरल मैथ की वीडियो। तो इस टाइम का अलार्म सेट कर लीजिए, बिल्कुल टाइम पर आपको जो है वीडियोस मिला करेंगी और बिल्कुल बेसिक लेवल से हम जो है उठकर चलेंगे, यानी बिल्कुल बेसिक लेवल से दोस्तों हाई लेवल तक जाएंगे। तो बस आप हमारा साथ दीजिए दोस्तों, हमारे कंधे से कंधे मिलाकर जो है चलिए, आपका बिल्कुल जो है हम पूरा सिलेबस करवा देंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर से बताइएगा इस कोर्स के बारे में। बिल्कुल फ्री कोर्स है दोस्तों, लगभग यहाँ पर ये कोर्स रहने वाला है दोस्तों 3 से 4 महीने का, और A to Z सिलेबस में आपको इसमें कवर करवाऊंगा इंग्लिश का, इसी प्रकार मैथ का और जीके का। तो जरूर से आप जो है इसे ज्वाइन कर लीजिएगा और रोजाना जो है वीडियोस देखा कीजिएगा। अभी तो दोस्तों हम ये सिर्फ जो है इसी प्रकार की स्क्रीन वीडियोस लेकर आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द हम आपके लिए जो है और अच्छी अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आज के इस कोर्स की। तो इसमें मैं आपको कुछ बेसिक बातें कराऊंगा, यानी पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है वर्ब का। वर्ब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आपने वर्ब कर ली तो आप इंग्लिश के 9 टॉपिक जो है कर जाएंगे, यानी जो पूरी ग्रामर होती है उसमें लगभग 15 टॉपिक जो है आपके होते हैं, और 15 टॉपिक से आपको जो है मान लीजिए कि आपको इंग्लिश आ गई है। हम जो सीखेंगे दोस्तों वर्ब बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ब से आपके बहुत ज़्यादा जो है टॉपिक बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ब ही करने वाले हैं दोस्तों, मैं आपको पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ आपको जो है रोजाना वोकैबुलरी भी कराएंगे। यानी लगभग ये जो हाफ आवर की जो वीडियो होने वाली है इसमें मैं आपको साथ ही साथ में जो है वोकैबुलरी भी बताऊंगा दोस्तों। कोई ट्रिक के साथ मैं आपको वोकैबुलरी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो सक्सेस होती है दोस्तों उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। मान लीजिए आपने 100 ट्रिक से वोकैबुलरी याद कर ली, यानी आपको एक वर्ड याद करने में कितने वर्ड याद करने पड़ रहे हैं दोस्तों, 3 से 4। लेकिन अगर आप उसे माइंड में याद कर लेंगे, माइंड में सेट कर लेंगे, तो आप पूरी लाइफ टाइम जो है नहीं भूलेंगे। अगर आप किसी चीज़ को ट्रिक से याद करते हैं तो बार बार आपको वो चीज़ रिवाइज करनी पड़ती है। तो मैं आपको एक नया जो है वे दिखाऊंगा पढ़ाई करने का या फिर करवाने का। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वर्ब की। वर्ब आप सभी को पता है क्या होती है, आपने आप में से कई के सवाल में आपके मन में भी होगा दोस्तों कि वर्ब होती क्या है। तो एक कैंडिडेट था दोस्तों 6th क्लास में, उसने पूछा कि वर्ब क्या होती है, सर ये वर्ब हम जो है क्यों पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों वर्ब क्यों होती है। वर्ब हमारे काम को दर्शाने के लिए होती है, यानी हमारा जो काम होता है उसे दिखाने के लिए ही वर्ब बनाई गई है। वर्ब मान लीजिए दोस्तों मैं चाय पी रहा हूँ, यानी जो हम काम करेंगे उसके हिसाब से टेंस बदलेगा, और टेंस को दिखाने के लिए ही वर्ब का योग जो है यूज होता है। देखिए दोस्तों मान लीजिए मैं चाय पी रहा हूँ, यानी अब चाय पी रहा हूँ, मैंने चाय पी ली है, मैं चाय पीऊँगा, ये सभी आपकी जो है वर्ब आती है, हमारे जो कार्य होती है उसको जो है यहाँ पर दिखाती है, यानी कार्य के जो इंस्टेंट होते हैं उन्हें जो है वर्ब दिखाती है। आपने दोस्तों अभी तक आपको पता होगा कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, आप सभी को पता है कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है। लेकिन दोस्तों हम जो है वर्ब को इजी बनाने के लिए हम इसकी 5 फॉर्म बना लेते हैं। 5 फॉर्म आप जो है याद कर लीजिए, वर्ब की फॉर्म होती है 3, लेकिन इसे इजी बनाने के लिए हम जो है 2 फॉर्म और बना लेते हैं, वर्ब की 4th फॉर्म और वर्ब की 5th फॉर्म। तो दोस्तों वर्ब की 1st फॉर्म, 2nd फॉर्म, 3rd फॉर्म ये आप सभी को पता है, लेकिन जो 4th फॉर्म होती है दोस्तों वर्ब की, वो होती है यहाँ पर मान लीजिए कोई भी हमारे पास वर्ब है, बाइट है, बाइट की क्या होगी बिटन, उसके बाद जो 4th फॉर्म होगी उसमें दोस्तों हम ING लगा देंगे, ING लगा देंगे तो ये हमारी जो है वर्ब की 4th फॉर्म बन जाएगी। इसी प्रकार अगर हम उसमें S या फिर ES लगा देंगे तो ये हमारी वर्ब की 5th फॉर्म बन जाएगी। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जो है हमने ये 4th और 5वीं फॉर्म बनाई है, ये हमारी जो है इजी करने के लिए हमने जो ये फॉर्म बनाई है। उसके साथ ही दोस्तों जो वर्ब की 4th फॉर्म होती है जिसमें बेसिकली हम ING जो है जोड़ते हैं, वो क्या दिखाती है, वो समय को दिखाती है, यानी किसी कार्य को दिखाती है कि वो कार्य चल रहा है, वो कार्य कंटिन्यू है, कंटिन्यू को ही दिखाती है, कार्य को दिखाती है कि कार्य चल रहा है। आगे मैं आपको यूज भी बताऊंगा दोस्तों,
जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है जिसमें हम आईएनजी लगाते हैं वो समय को दिखाती है कि कार्य चल रहा है, यानी किसी कार्य को दिखाती है कि वो कार्य चल रहा है। उसके साथ ही अब मैं आपको बता दूं आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाएंगे। तो आप सभी को पता है अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी आईएस लगा देते हैं तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए हमारे पास बाइट है, बिट, बिटन, उसके बाद फोर्थ फॉर्म बिटिंग और फिफ्थ फॉर्म बाइट्स हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ नियम होते हैं जिनसे आप जो है किसी भी शब्द के अंत में एस या ईएस लगाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी वर्ड के अंत में आपका जो है यहाँ पर एस हो या फिर ओ एच हो या फिर सी एच हो या फिर ओ हो, एक्स हो या फिर जी हो, दोस्तों ये जो जेड होता है इसे आप जेड कहते होंगे, लेकिन ये एक्चुअली जो है जेड नहीं होता है, इसे हम कहते हैं जी। तो दोस्तों प्रोनंसिएशन भी आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसे बोलना भी आपके लिए जरूरी है। दोस्तों आप सभी को पता होगा हमारी हिंदी में इतनी अच्छी कमांड क्यों होती है, क्योंकि हम उसे यूज में लाते हैं, उसे हम बार बार बोलते हैं। तो अगर आप इंग्लिश को भी जो है बोलेंगे, यानी आपके आसपास जो भी कार्य है, जो भी कार्य हो रहे हैं, अगर आपको उनकी इंग्लिश पता है तो आपको जो है और आसानी से जो है इंग्लिश सीखने में मदद मिलेगी। तो आपको जो है इंग्लिश पर कमांड बनाने के लिए आपको बोलनी भी होगी, साथ ही साथ बोलते रहिए दोस्तों जिस भी शब्द के अंत में एस ओ एच हो, सी एच हो, ओ हो, एक्स हो या फिर जी हो। तो दोस्तों इनका हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए उसमें क्या ऐड करेंगे, ई एस लगाएंगे। दोस्तों अगर किसी भी शब्द के अंत में ये शब्द है तो उसके पीछे ई एस लगेगा तो वह वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। अगर दोस्तों किसी भी शब्द के अंत में ये शब्द नहीं है तो हम जो है एस उसके अंत में लगाकर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बना सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ दोस्तों ग्रामर में हम जो है केवल सात जो पूरी ग्रामर होती है दोस्तों, पूरी ग्रामर का जो कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है, वो केवल सात शब्दों में होती है, यानी सात शब्द। आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों पर्संस। तो मैं आपको बेसिकली एक इजी वे में बता देता हूं, आगे हम डिटेल में भी सब कुछ करेंगे दोस्तों, ये बेसिक है, बेसिक मैं आपको बता रहा हूं। आपने देखा होगा दोस्तों, ये आप सभी को पता होगा, आई यू वी दे ही सी इट। तो दोस्तों ये जो होते हैं इनके साथ हम जो है कुछ फिक्स जो है यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों आई है, आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, इज या फिर हैव लगेगा। इज दोस्तों सिंगुलर है, हैव भी आपका जो है यहां पर देखिए आई के साथ लगेगा इज। उसके साथ यू है, यू के साथ लगता है दोस्तों हमेशा आर। वी के साथ आर, दे के साथ आर, ही के साथ इज, उसके साथ दोस्तों यहां पर आई के साथ एम लगेगा। दोस्तों यहां पर इज सॉरी मिस्टेक से जो है लग गया है, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। उसके साथ यहां पर ही सी इट के साथ लगेगा इज। इसी प्रकार दोस्तों आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, वी के साथ हैव, दे के साथ हैव, उसके साथ ही दोस्तों ही के साथ हैज, उसके साथ सी के साथ हैज, इट के साथ हैज। तो ये आप जो है बेसिकली दोस्तों रिमाइंड कर लीजिए, क्योंकि इनसे ही आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है दोस्तों, एरर का क्वेश्चन यहां से कई बार बन जाता है। जो 10th लेवल एग्जाम होते हैं उनमें भी यहां पर दोस्तों यहां से क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि आई के साथ हमेशा एम लगता है, हैव लगता है, यू के साथ आर लगता है, हैव लगता है, वी के साथ आर लगता है, हैव लगता है, इसी प्रकार दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है, हैव लगता है, ही के साथ इज लगता है, हैज लगता है, इसी प्रकार दोस्तों सी और इट के साथ भी इज और हैज लगता है। हैज दोस्तों यहां पर मैं बताऊंगा कि कब लगेगा, इज एम आर ये कब लगेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देकर दिखा देता हूं दोस्तों, कई बार आपसे यहां पर ऑप्शन में पूछ लिया जाता है जहां पर वर्ब की फॉर्म पूछी जाती है, आई हैव गोट इट, आई हैव गोट इट, ये दोस्तों हमारे पास कोई सेंटेंस है, आई हैव गोट इट, तो आई है यहां पर, इसके साथ हमने क्या लगाया दोस्तों, हैव। अगर यहां पर लगा देते आई गोट इट तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये गलत हो जाता दोस्तों, यहां पर हैव मस्ट है, इट्स भी है, इट्स मस्ट, यहां पर हैव जो है मस्ट है। यहां पर देखिए आई हैव गोट इट, ये जो है हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाता है। इसी प्रकार दोस्तों आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी, मैंने यहां पर दोस्तों मैं चाय पी चुका हूं, आई हैव टेकन टी, तो यहां पर दोस्तों हमारे पास आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, तो ये भी आप जो है देख लीजिए और साथ ही साथ दोस्तों नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं दोस्तों एक और सेंटेंस की, यानी अगर किसी वाक्य के में, यानी कोई भी सेंटेंस है उसमें अगर आपका नाउ अ डे, दीज डेज, राइट नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, स्टिल, D1, D2, D2 ये क्या है दोस्तों, जो आपकी एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, उसमें आपने डिग्रीज पढ़ी होंगी, यानी
ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये आपने पढ़ी होगी। अगर दोस्तों आपके पास यहाँ पर जैसे टोल, टोलर, टोलेस्ट, ये होती है दोस्तों डिग्रीज, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर बस आप याद रखिए डी टू एंड डी टू, यानी सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री हो तो दोस्तों किसी भी वाक्य में अगर ये शब्द हो, नाउ अ डे, दीज डेज, राइट नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, स्टिल, डी टू एंड डी टू, तो ये बताते हैं दोस्तों कोई कार्य जो है चल रहा है, यानी कोई कार्य कंटिन्यू है, कार्य चल रहा है, कार्य को चलता हुआ जो है ये दिखाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए दोस्तों, नाउ अ डेज, ये हमारे पास एक सेंटेंस है, नाउ अ डेज, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, यहाँ पर जो इज गोइंग है दोस्तों इसे आप जो है यहाँ पर खाली स्थान मान लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स मान लीजिए, ही डैश टू क्लास इन द मॉर्निंग, और ऑप्शन है आपके पास इज गोइंग, आर गोइंग, गोज, ये कई ऑप्शन जो है आ जाते हैं। और खासकर दोस्तों ये आपका जो क्वेश्चन है ये इंडियन नेवी में और एयरफोर्स में पूछा जाता है, नाउअडेज ही डैश टू द क्लास इन मॉर्निंग, तो आपको पता है नाउअडेज, नाउअडेज आ गया दोस्तों, नाउअडेज आ गया, तो नाउअडेज के साथ हम क्या लगाएंगे, यानी कार्य को चल रहा है, कार्य को चल रहा है ही के साथ, मैंने आपको बताया था दोस्तों यहां पर देखिए ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, ही के साथ लगेगा इज, इसी प्रकार इज लग गया दोस्तों, और यहां पर जो आ गया नाउअडेज, इसके लिए हम क्या दिखाएंगे कि कार्य चल रहा है, कार्य चल रहा है, तो यहां पर हम लगा देंगे गोइंग, यानी ही इज गोइंग टू हिज क्लास इन मॉर्निंग, तो ये हमारा बिल्कुल जो है एक्यूरेट सेंटेंस बन गया है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे ही इज गेटिंग टॉलर एंड टॉलर, ये डी टू एंड डी टू मैंने अभी आपको बताया था कि डी टू एंड डी टू, तो ये क्या दर्शाता है, कार्य चल रहा है, प्रगति पर है, यानी कार्य चल रहा है, कार्य कंटिन्यू है, तो यहां पर देखिए ही इज डैश टोलर एंड टोलर, यहां पर दोस्तों गेटिंग आप मान के मत चलिए, आगे से जो मैं आपके लिए फिलिंग द ब्लैंक्स रखूंगा, तो यहां पर देखिए दोस्तों ही इज डैश टोलर एंड टोलर, यानी हमारे पास खाली स्थान है, इसकी जगह पर दे दिया दोस्तों इज गेटिंग, इज गेट्स, गेट्स, गोट, ये ऑप्शन में आपके पास आ जाएंगे, तो आपको पता है ही के साथ क्या लगाना है इज, उसके साथ ही दोस्तों जो गेटिंग है, गेटिंग हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि टोलर एंड टोलर डी टू एंड डी टू है, तो यहां पर कार्य चल रहा है, कार्य चल रहा है के लिए हम लगाएंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो कि आईएनजी वाली होती है, तो ही इज गेटिंग टोलर एंड टोलर, ये आपके पास जो है पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, पूरा सेंटेंस जो आपके पास ये सही बन जाएगा, तो ये बात आप जो है अच्छे से ध्यान रख लीजिए दोस्तों, और मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो है साथ के साथ नोट कर लीजिए, आपके ही काम आएगा दोस्तों। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर किसी वाक्य में जस्ट, रिसेंटली, येट, ऑलरेडी, सो फार, टिल नाउ, लेटली, दिस इज माई फर्स्ट टाइम, दिस इज माई सेकेंड टाइम, दिस इज माई थर्ड टाइम, एक्सेट्रा हो, तो दोस्तों यहां पर क्या लगेगा, ये क्या दर्शाते हैं, किसी वाक्य में अगर ये शब्द हो दोस्तों, जस्ट, रिसेंटली, येट, ऑलरेडी, सो फार, टिल नाउ, लेटली, दिस इज माई फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, अगर ये शब्द किसी वाक्य में आ जाए तो वाक्य दर्शाता है कि काम खत्म हो चुका है, यानी कार्य जो है डन है, यानी काम खत्म हो चुका है, कार्य खत्म हो चुका है। उदाहरण भी मैं आपको दे देता हूं दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल है ही डैश 15th मैच सो फार, ही डैश 15th मैच सो फार, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा इज प्लेइंग, इज प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, तो ये कई ऑप्शन आपके साथ मिल जाएंगे दोस्तों, तो आपको क्या लगाना है, ही के साथ मैंने आपको बता रखा है कि क्या लगाना है, ही हैज लगेगा, ही के साथ लगेगा हैज, उसके बाद यहां पर देखिए सो फार आ गया है, सो फार दोस्तों हमारे पास आ गया है, तो सो फार यहां पर देखिए, सो फार हमारे पास था दोस्तों, सो फार के लिए हम क्या लगाएंगे, सो फार है, तो क्या पता चलता है कि काम हो चुका है, वो 15 मैच खेल चुका है, तो हैज प्लेड हमारे पास जो है राइट आंसर हो जाएगा, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला एग्जाम्पल जो हमारे पास आता है, दिस इज इंडीड माई फर्स्ट टाइम, आई डैश सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो यहां पर दोस्तों आई हैव हियर्ड ए सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एग्जाम्पल क्या है, दिस इज इंडीड माई फर्स्ट टाइम, यहां पर फर्स्ट टाइम आ गया दोस्तों, दिस इज माई फर्स्ट टाइम, तो यहां पर ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है, कार्य खत्म हो चुका है, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है दोस्तों, आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, और कार्य खत्म हो चुका है कौन बताता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बताती है, तो हियर की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हियर्ड होती है, तो ये बात आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, डायरेक्ट एरर का क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है, जो इंडीड होता है दोस्तों वो होता है बिल्कुल, बिल्कुल, यानी इसकी जो है हिंदी मीनिंग होता है, साथ के साथ मैं आपको वोकैबुलरी भी कराऊंगा दोस्तों, जो टफ वर्ड्स हमारे पास आएंगे सेंटेंस में, एग्जांपल में, वो भी मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा, ताकि आप कहीं पर भी जो है अटके ना। उसके बाद दोस्तों एक और जो मैं आपको रोल बता देना चाहता हूं, अगर डी टू को एंड के साथ
लिख कर दोहराते हैं, यानी डी टू को एंड के साथ लिख कर दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। तो दोस्तों ये हमेशा काम को चलता हुआ दिखाते हैं, ये काम को चलता दिखाते हैं, यानी काम जो है चल रहा है। ऐसे वाक्यों में दोस्तों इज एम आर के साथ आई एन जी का प्रयोग लगाया जाता है, यानी इज एम आर के साथ आई एन जी लगाया जाता है। मैंने आपको बता दिया है कि इज कहां पर लगता है, एम कहां पर लगता है, आर कहां पर लगता है। तो एक बार बताइए कि इज कहां पर लगता है दोस्तों, इज कहां पर लगता है, ही इज, इट इज, यहां पर आई के साथ एम लग गया, इट इज, सी इज, ही इज। उसके बाद आर कहां पर लगता है दोस्तों, वी आर, यू आर, दे आर, तो यहां पर ये आर लगता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, ये भी आपको पता होना चाहिए कहां पर इज लगता है, एम लगता है, आर लगता है। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों, बेसिक से हम जो है उठा रहे हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा, डी टू एंड डी टू ये क्या दिखाते हैं, मैंने आपको वर्ड्स भी बताए थे, डी टू एंड डी टू हो गया, ये क्या दिखाते हैं दोस्तों, कार्य चल रहा है, कंटिन्यू है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ हमारी यहां पर डिफिकल्ट वर्ड्स की, या फिर आप कह सकते हैं एडम फ्रेज, कुछ भी आप कह सकते हैं दोस्तों। रोजाना मैं आपको साथ के साथ कुछ और महत्वपूर्ण बातें, यानी कुछ जो है वोकैबुलरी भी आपको कराऊंगा। तो यहां पर देखिए दोस्तों हमारे पास क्या है, कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स ये आप क्या समझते हैं, बिल्ली और कुत्ते, ये नहीं होता दोस्तों। इसका मीनिंग होता है मूसलाधार वर्षा, मूसलाधार वर्षा यानी बहुत ही तेज बारिश, उसे कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स, इट्स कैट्स एंड डॉग्स, यानी मूसलाधार वर्षा। उसके बाद एक और वर्ड है दोस्तों, एमेशिएटेड। एमेशिएटेड, एमेशिएटेड क्या होता है दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता दूं, जो भी वर्ड मैं बोल रहा हूं दोस्तों उसको साथ के साथ आप रिपीट कीजिए, तभी आपको और अच्छे से जो है होगा। शर्माइए मत दोस्तों, बिल्कुल साथ के साथ मेरे साथ जो है रिपीट कीजिए, ताकि आप जो है और अच्छे से ये कर पाए। तो यहां पर देखिए एमेशिएटेड, एमेशिएटेड का मतलब होता है दोस्तों बीमारी के कारण स्वास्थ्य गंवा देना, बीमारी के कारण स्वास्थ्य गंवा देना, बीमारी के कारण जो है, बीमार के कारण अपना जो स्वास्थ्य है वो गंवा देना, लूज कर देना। उसके बाद यहां पर देखिए दोस्तों टॉइल, टॉइल का मतलब होता है मेहनत करना, टॉइल का मतलब क्या होता है, मेहनत करना। उसके साथ ही पेरिस, पेरिस, पेरिस का मतलब होता है दोस्तों दिमाग से निकाल देना, दिमाग से निकाल देना का मतलब क्या होता है, पेरिस, पेरिस यानी पेरिस का मतलब होता है पेरिस द थॉट। ये आपका जो है कई बार बन जाता है पेरिस द थॉट, पेरिस द थॉट का मतलब होता है इस ख्याल को दिमाग से निकाल दो, दिमाग से निकाल देना का मतलब होता है पेरिस। अगला क्वेश्चन, अगला आता दोस्तों अकेक वाक, अकेक वाक का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत आसान मानना, यानी कोई भी चीज है उसे आप बहुत आसान मानोगे कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बहुत ही इजी है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों अकेक वाक का मतलब होता है कोई चीज बहुत आसान होना, या फिर उसे मान लेना कोई चीज बहुत ही आसान होना, ये आप मान सकते हो अकेक वाक, इसका मतलब होता है कोई चीज बहुत आसान होना। अगला एक और वर्ड आता है दोस्तों नोवाइस, नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया, यानी जिसने अभी अभी जो है काम सीखा हो। जैसे कि दोस्तों मैकेनिक होते हैं उनके पास जो है कई काम सीखने आते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आईटीआई वालों की अप्रेंटिस लगती है, वो भी क्या होते हैं दोस्तों नोवाइस होते हैं, यानी नौसिखिया होते हैं, वो अभी अभी जो है उस फील्ड में आए हैं और काम सीख रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों एक और मीनिंग होता है इसका, यानी जिसने अभी अभी जो है धर्म परिवर्तन किया है, मान लीजिए एक धर्म से दूसरे धर्म में जो है कोई व्यक्ति गया है, तो उसे भी हम कहते हैं नोवाइस, नोवाइस हम कहते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको बता देना चाहता था। एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो कुछ इस प्रकार होने वाला है। पहले तो हम दोस्तों आपको शुरुआत में तो आपको जो है बेसिक बताएंगे, यानी बिल्कुल जो है जो टॉपिक है वो कराएंगे। मान लीजिए कि हमारी जो एक वीडियो है वो 45 मिनट की होने वाली है, तो उसमें से 40 मिनट से लगभग दोस्तों 35 से 40 मिनट तो मैं आपको कराऊंगा बिल्कुल सिलेबस, यानी जो आपका टॉपिक है, जैसे कि वर्ब हम कर रहे हैं तो वर्ब भी जो है 40 मिनट लगभग मैं आपको कराऊंगा। उसके साथ ही जो 5 मिनट होगी उसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज कराऊंगा, क्योंकि साथ के साथ अगर हम थोड़ा थोड़ा भी वोकैब करेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा रहने वाला है। तो वोकैबुलरी हो गई, सिनोनियम एंटोनियम हो गई, ये भी मैं आपको साथ के साथ कराऊंगा। उसके साथ ही दोस्तों रोजाना मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा, तो एक बार कमेंट करके जरूर से बताएगा कि आपको ये जो है वे कैसा लगा, ये तरीका हमारा जो है कैसा लगा है, और ये वीडियो कैसे लगी है, ये भी आप कमेंट करके जरूर से बताएगा। और अभी वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा, अभी जो है हमारे पास ये वीडियो बाकी है, बहुत कुछ और मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स की, आपके लिए क्वेश्चन है, जो भी हमने अभी जो है किया है उसी के बेसिस पर ये एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है दोस्तों हरी अप, जल्दी करो, वी डैश फॉर यू, यानी हरी अप, वी डैश फॉर यू। अभी हमने पढ़ा था दोस्तों जो
वी है उसके साथ क्या लगता है, वी के साथ, वी यू डे इनके साथ क्या लगता है, आर लगता है। उसके साथ ही हरी अप यानी जल्दी करो, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, आर वेटिंग। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर वेटिंग, यहां पर आ जाएगा आर वेटिंग। अगला आता दोस्तों हमारे पास यहां पर देखिए, यू आर डैश आई डैश अलर्ट, यू आर डैश आई डैश ए लेटर, यानी यहां पर देखिए दोस्तों व्हाट आर यू डैश, व्हाट आर यू डैश आई डैश ए लेटर। यहां पर देखिए दोस्तों यहां पर क्या कहा हुआ है, यहां पर सबसे पहले देखिए व्हाट आर यू, यू के बाद क्या आता है दोस्तों व्हाट आर यू डूइंग, यहां पर दोस्तों व्हाट आर यू डूइंग। उसके बाद आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई के साथ क्या आता है एम आता है। यहां पर देखिए एक तो डूइंग आ गया, उसके बाद आई के साथ आर नहीं आता तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। इसी प्रकार डूइंग और ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, आई व्हाट व्हाट आर यू डूइंग आई एम राइटिंग अ लेटर, ये हमारा जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला ऑप्शन है दोस्तों ही डैश इन इटली एट द मोमेंट, एट द मोमेंट ही डैश He dash in Italy at the moment. He के साथ क्या आता है दोस्तों? He is working at the. He is working in Italy at the moment. वो फिलहाल जो है इटली में कार्य कर रहा है। अगला हमारे पास आता है दोस्तों She does not like to be disturbed when she. यहां पर वाक्य को समझिए दोस्तों, कभी भी हिंदी से इंग्लिश मत बनाइएगा दोस्तों, आपके जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएंगे। कभी भी ये मत सोचिएगा कि ही वह डज, इस प्रकार जो है कभी भी इंग्लिश से हिंदी से जो है इंग्लिश मत बनाइएगा दोस्तों, आगे चल के आपको ही जो है गलती होगी, क्योंकि अब तो आप बना लेंगे, कई बार करेक्ट भी हो जाएगा लेकिन आगे आपको जो है गलती होगी। तो यहां पर देखिए सी डज नॉट लाइक टू बी डिस्टर्ब, सी डज नॉट लाइक टू बी डिस्टर्ब व्हेन, व्हेन किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, यहां पर जो व्हेन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ ही यहां पर देखिए सी के साथ क्या लगता है, मैंने अभी बताया था सी के साथ लगता है इज, सी इज राइट, सी इज वर्किंग, यानी वो जो है डिस्टर्ब होना पसंद नहीं करती जब वो कार्य कर रही हो, तो ये बात आप याद रखिएगा ही इज वर्किंग, यानी कब, जब वो कार्य कर रही हो, कार्य चल रहा है इज वर्किंग, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहां पर आएगी इज वर्किंग। उसके साथ ही देखिए अगला है द चाइल्ड डैश एमिशिएटेड, द चाइल्ड डैश एमिशिएटेड दीज डेज, एमिशिएटेड का मतलब मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो है बीमारी के कारण स्वास्थ्य गवा देना, एमिशिएटेड इसका मतलब होता है बीमारी के कारण स्वास्थ्य गवा देना, दीज डेज चाइल्ड, द चाइल्ड क्या है दोस्तों, चाइल्ड, चाइल्ड सिंगुलर है तो यहां पर क्या लगेगा इज, इज गेटिंग, द चाइल्ड इज गेटिंग एमिशिएटेड दीज डेज, तो यहां पर ये राइट आंसर जो है हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर और भी है हमारे पास, तो आगे के दोस्तों आपको जो है जरूर से कमेंट करके बताने हैं। तो यहां पर मैं आपके लिए एक बार जूम से कर देता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और यहां पर जो है आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। तो पांच मैंने करवा दिए हैं, पांच आपके लिए जो है बाकी रखे हैं, इनका आंसर जो है आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो एक बार देख लीजिए ये पांच है और इनका आंसर आपको जो है कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ इसी प्रकार जो है हम आपको रोजाना इंग्लिश कराएंगे, मैथमेटिक्स की वीडियो भी आज आपको 1 बजे देखने को मिल जाएगी, इससे पहले आपने जीके की वीडियो देखी होगी। इसी प्रकार हम आपका पूरा सिलेबस बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक कराने वाले हैं, बस आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और दोस्तों कभी भी ये मत कहिएगा कि सर मेरा एग्जाम जो है अप्रैल में है या फिर मार्च में है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर, नहीं दोस्तों हम सबको उठाकर ले चलेंगे। हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपका जो एग्जाम अब आने वाला है वो 3 से 4 महीने बाद ही आने वाला है, ताकि हम जो है कभी भी दोस्तों जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि सक्सेस का कोई भी जो है शॉर्ट तरीका अगर आप अपनाएंगे तो वो केवल शॉर्ट टाइम के लिए होगा, थोड़े से समय के लिए होगा, आगे चलकर आपको वो काम नहीं आएगा। तो हम जो है बिल्कुल सभी को जो है साथ साथ लेकर चलेंगे और कुछ इसी प्रकार जो है हम आपको रोजाना पढ़ाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से घंटी आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, उससे पहले एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं दोस्तों कि ये लेसन आपको कैसा लगा। और उसके साथ ही अगर आप, आपको पता है कि आपके इंडियन नेवी के जो है एडमिट कार्ड आ गए हैं, नेवी एमआर के हो गए, उसके बाद दोस्तों एसएसआर डबल ए के आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, और जो कैंडिडेट्स जीके या फिर एमआर के लिए साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए जीके की, साइंस की, फिजिक्स की
ई बुक बना रखी है वो आप एक बार देख लीजिए, लिंक उनका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको अच्छे लगे तो डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ही कम कीमत है, ई बुक है यानी आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। जरूर से जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके जरूर से जाइएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपको कोई डाउट हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।